Hi guys, welcome to my channel. My name is Diya Chawla. So in today's video, you're gonna see a tutorial on how to shoot short videos, especially makeup videos, जो कि short में हम देखते हैं, and how to edit them. So without wasting any time, let's go. So this all you need is a background. अगर आपके पास कुछ अच्छा सा है आप वो लगा लो, नहीं तो ऐसा आप कोई cloth लगा के background बना सकते हो. नेक्स्ट यू नीड अ ट्राईपॉड लाइक दिस, या अगर आपका फ़ोन कहीं और सेटिंग पे आता है, अच्छे से सेट हो जाता है, अगर आप बिगनर हो तो आप उससे भी सेट कर सकते हो, अदरवाइज दिस ट्राईपॉड इज़ गुड फॉर वर्किंग. इफ़ यू हैव अ गुड सोर्स ऑफ सनलाइट देन दैट इज़ वेरी गुड, अदरवाइज आप ऐसी रिंग लाइट भी ले सकते हो. इनिशियल के लिए ये 10 inches की भी काफ़ी होती है, मेरे पास अभी ये वाली है, सो ये अपने स्टैंड के साथ में ही आती है. आप इसको ले सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो. And make sure that your phone is in vertical position, that's mean like this and not in the horizontal, जो कि हम YouTube form की videos देखते हैं. Short के लिए हमें हमेशा vertical ही चाहिए होता है. Keep the ring light behind your tripod and phone or camera, whatever you have. So इसको कुछ इस तरीके से आपने रखना है कि आपका camera सामने हो, ring light proper आपके पीछे में हो. And make sure you are in the frame properly on your phone or camera. You can see the ring light is proper in the place. जो कैमरा है उसकी सेटिंग और लाइट की सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, जिससे जो मेकअप है वो अच्छे से दिख जाएगा. सो दैट्स हाउ आई लुक लाइक इन फ्रंट लाइक दिस. इतना मेरा पोर्शन है कि दूर से भी मैं अच्छे से कैप्चर हो रही हूँ. सो आपने इतना फ्रेम में रख लेना है खुद को, एंड देन यू शुड स्टार्ट डूइंग योर मेकअप वन बाई वन. वैसे तो आपको बैक कैमरा रखना चाहिए, बट दिस टाइम आई डू नॉट हैव माई लैपटॉप विद मी, सो आई एम यूजिंग द फ्रंट कैमरा. एंड इफ़ यू आर अ बिगनर, फ्रंट कैमरा से भी आपका काम चल जाएगा. नेक्स्ट पार्ट इज एडिटिंग, एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग इन शॉट, बिकॉज ये बिगनर फ्रेंडली है, बहुत ईजी है इसको यूज़ करना. इसमें जस्ट आपको वीडियोज़ वाला ऑप्शन क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है, एंड देन आपको अपनी जो आपने वीडियोज़ बनाई हैं उसको सिलेक्ट करना है, बिफोर आफ्टर पार्ट जो भी आपको ऐड करना है वो सब आप ऐड करो. एंड देन व्हाट आई डू, आई जस्ट म्यूट ऑल द वीडियोज़ फर्स्ट, बिकॉज समटाइम्स मैं भूल जाऊँ तो पीछे से आवाज़ें अजीब सी आने लग जाती हैं. देन आई जस्ट स्टार्ट एंड पोज एट अ टाइम जहाँ से मुझे वीडियो स्टार्ट करनी है, एंड देन आई स्प्लिट द वीडियो. मैं प्री कट नहीं करती, मैं स्प्लिट करती हूँ. स्प्लिट करने से ज़्यादा मेरे को अच्छा सही लगता है, टाइम फ्रेम भी सही लगता है. एंड बाकी सेलेक्ट करने के बाद मैं बाकी का डिलीट कर देती हूँ. देन ऑल्सो आई पोज द एरिया वेयर, मतलब जहाँ पे मैंने अपना दिखाना होता है यहाँ से मैं वीडियो शुरू करूँगी. पोज करो, स्प्लिट करो, जो आपका वेस्ट वाला पार्ट है वो डिलीट करो, एंड देन देखो. मुझे अपने वीडियोस में पहले स्लो मोशन एंड देन फास्ट फॉरवर्ड मोशन में चाहिए होता है, सो मैं उसी हिसाब से स्प्लिट एडिट करती रहती हूँ. स्प्लिट करने के बाद मैं अपनी जो वीडियो की स्पीड है वो बढ़ाती हूँ. पहले मैं थोड़ी कम बढ़ाती हूँ, देखती हूँ अगर ये सही लग रहा है तो ठीक, अदरवाइज़ मैं उसकी स्पीड को थोड़ा और हाई कर लेती हूँ. देन मैं उस पर ओके क्लिक करने के बाद देखती हूँ दैट इट इज़ गुड और नॉट. आफ्टर दैट सारी एडिटिंग होने के बाद ऐसे ही हमने सब पे करनी है. एंड में आके मैं ट्रांजिशंस ऐड करती हूँ, फ्रंट पे एंड एंड पे. बट अगर आप चाहो तो इन बिटवीन भी ट्रांजिशंस आप ऐड कर सकते हो. मेरा फ्रंट एंड बैक तो पक्का होता ही होता है कि उन पे ट्रांजिशन ऐड करनी ही करनी है, एंड दैट्स हाउ द ट्रांजिशन लुक्स. इसके बाद में लास्ट स्टेप है म्यूज़िक ऐड करना, बिकॉज सारी वीडियो एडिट हो जाती है उसके बाद म्यूज़िक सेलेक्ट करना इज़ ईजी वे, अदरवाइज़ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है सिंकिंग में. सो म्यूज़िक सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपनी वीडियो करनी है सेव इन द हाई रेजोल्यूशन. मेरा 1080 pixel पे है, एंड दैट्स एंड या दैट वॉज इट. आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल एंड यूजफुल. इफ यस देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो कि वीडियोज़ बनाते हैं, स्पेशली उनको शॉर्ट्स वीडियो बनाना जिनका मेकअप में बहुत इंटरेस्ट है. एंड Do not forget to subscribe to my channel also.